शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब यही मेरी एक आखिरी उम्मीद है सिड, एक बार उससे बात हो जाए फिर मैं अपनी फैमिली से हमारी शादी के बारे में बात करूंगा, राइट? प्लीज आई एम रियली सॉरी, मुझे इग्नोर नहीं करना था तुम्हें, बस मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। सॉरी वी, आई लव यू। आशी, आशी जी, मेरी बात हो गई नकुल से, वो शादी के लिए मान गया है। वो बस कह रहा था कि शादी के पहले उसे थोड़े से फंड्स अरेंज करने, बिजनेस सेट करना चाहता है वो, और पता है सिड उसकी हेल्प कर रहा है फंड्स अरेंज करने में। इनफैक्ट वो तो ये भी कह रहा था कि सिड ने उसे खुद यहाँ बुलाया है। थैंक यू आशी, तूने आज तक मेरी इतनी हेल्प की है, अब बस सिड उसके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा दी। क्या दी? नकुल को सिड के फोन से मैसेज हमने किया था। सॉरी दी, पर नकुल को यहाँ बुलाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। दी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम है ना, हम सिद्ध से बात करेंगे, हम जाके उसको मनाएंगे, हो सकता है वो मान जाए। तुम करोगी ना सिद्ध से बात? तुम पक्का करोगी ना? प्रॉमिस करो मुझे ये, तुम करोगी? हाँ दी, हम बात करेंगे। बाबा से कुछ बोल नहीं सकते, उन्होंने अपना सारा पैसा हमारे नाम पे फिक्स में डाल दिया है, वरना हम उन्हें मना लेते, वो नकुल की हेल्प कर देते। अब बस सिडी हमारी मदद कर सकता है, उसे मनाना होगा, उसे मनाना ही होगा। हमने पूछा ये सब क्या है? हकीकत, हाँ आशी, मैं हूँ। तुमसे और तुम्हारी यादों से घिरा हुआ, दिल में तुम, सांसों में तुम, हर बात हर जज्बात में तुम। शायद तुम जानती नहीं आशी, तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ मैं तुमसे नाराज हूँ इसलिए क्योंकि तुम मुझसे सच छुपा रही हो, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आशी एक बार रोक लो, रुक जाऊंगा, एक बार कह दो ये सगाई मत करो, नहीं करूंगा, सब छोड़ दूंगा, प्लीज रोक लो आशी। नहीं सिद, आज हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। जानते हैं इस कहानी की शुरुआत बीदी की प्रेगनेंसी से हुई, पर इसका अंत तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। तुम हमारी जिंदगी के एक बहुत ही खूबसूरत गलतफहमी बनके, हमारी बचपने में शादी वाले पति बनके हमारी जिंदगी में आए, पर हमारा पति कुणाल है, तो हम पत्नी का हर कर्तव्य निभाएंगे, पर उससे पहले तुम्हारी यादें दिल से मिटाएंगे। सिर्फ तुम भी हमें भूल जाओ, गीत अच्छी लड़की है, तुमसे प्यार करती है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। बस एक बार कह दो कि तुम्हें मुझसे प्यार है, तुम्हारे लिए सब छोड़ दूंगा, ये रिश्ते नाते सब तोड़ दूंगा। एक बार रोक लो आशी, आशी तुम्हारी हर एक बात मानी है मैंने, ये भी मानूंगा, लेकिन तुम कुछ कहोगी नहीं तो कैसे मानूंगा? प्लीज बता दो सच क्या है। प्लीज आशी, प्लीज कुछ तो कहो आशी। क्या कहे से तुम्हें, बार बार एक ही सच कह के थक गए हो। हमने तुम्हें कह दिया है हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है सिर, ये बच्चा हमारा है और हम इसकी देखभाल कर सकते, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, हम तुम्हें सगाई से रोकने के लिए नहीं आए थे, हम तो तुम्हें सगाई के लिए बधाई देने आए थे सिर। बहुत खुश है हम तुम्हारे लिए, चलो कम से कम तुम हमारा पीछा तो छोड़ोगे ना सिर। जानते हो कितना दर्द दिया था तुमने हमको। मैंने तुम्हें दर्द दिया? तुम जो मुझे दर्द दे रही हो उसका क्या? खुश हो ना,
मूव ऑन कर रहा हूँ, तो अच्छे से मूव ऑन करूंगा, सच में मूव ऑन करूंगा। नहीं कर सकता, तुम्हारा इंतजार करूंगा। हमें भूल नहीं सकते ना तुम, हमारी यादें नहीं मिटा सकते ना। चलो हम तुम्हारा काम आसान करते हैं सिद्ध। तुम हमारा कितना भी इंतजार कर लो, सच तो ये है कि हम तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आएंगे, और ये सगाई करने से हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। आओगी आशी, मुझे अपने प्यार पे पूरा विश्वास है, तुम मुझे गीत से सगाई करने से रोकोगी, तुम आओगी। हम आएंगे तुम्हारे पास सिर्फ, लेकिन तुम्हारी सगाई के बाद तुमसे नकुल के लिए बात करने, तुम्हें रोकने नहीं। तुम मुझे रोकोगी आशी, आओगी मेरे पास, तुम्हें आना ही होगा। हमें नकुल से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा, वो ऐसे अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। यार प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज। I'm sorry, sorry बाबा, प्लीज try to understand ना। पर मैं क्या करूँ, फैमिली प्रेशर है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आना पड़ा। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी ये सब यहाँ पर आना पसंद नहीं है। ओके ओके, एक बात बताओ, शादी का प्रपोजल लेके अपने डैड के पास कब जा रहे हो? बहुत जल्द जाऊंगा, बस एक बार ये शादी खत्म हो जाए, उसके बाद हमारी शादी की बात करेंगे। बाय, टेक केयर। बाय, लव यू टू। विद्या दी को इतना बड़ा धोखा, कैसे इंसान हो तुम? तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली वो, और तुम उनके जज्बातों के साथ खेल रहे हो। उनसे शादी का वादा करके यहाँ किसी और से शादी की बातें कर रहे हो। नीचे कैसे गिर सकते हो नकुल?
तुम्हारे दिल में खोट है। हम तुम्हें जी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। हम भी जाके तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखाएंगे।